केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दो मुहा साफ बताया है। उन्होंने कहा कि जो जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे बहुरूपिया नेताओं से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये खुद बालाजी के मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ मुंडन संस्कार कराते हैं और दूसरे को मंदिर के खिलाफ भड़काते हैं। राम ऐसे लोगों का विनाश करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान कि बीमार पड़ने पर लोग अस्पताल जाते हैं, मंदिर नहीं को लेकर जब पत्रकारों ने अश्विनी चौबे से सवाल पूछा तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि दो मुहुआ सांप जैसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। अगर वास्तव में अस्पतालों की इतनी चिंता है तो पहले बिहार के अस्पतालों को दुरुस्त करना चाहिए, जहाँ इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। या राम जो हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे वहाँ भी अस्पताल की व्यवस्था हो रही है तो इनको समझ में नहीं आता है। ये अस्पताल पहले अपना चलावें। बिहार का अस्पताल जहाँ रुई नहीं है, जहाँ लोगों को इलाज नहीं होता है, लोग मर रहे हैं और ये अस्पताल की बात करते हैं। डबल रोल करने वाले ये दुमहुआ साहब, मतलब आम लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्यों नहीं आप उसको बरगलाने का काम ये मूर्ख बनाते हो और कहते हो कि मंदिर जा कर के क्या होगा। क्यों गया था बालाजी तिरुपति मंदिर अभी पोते का मुंडन कराने, क्यों गया था? जवाब दो जनता को। ये दुमहुआ साफ है, ये लोग इसके फेरे में मत आइए। सभी धर्मों का आदर करते हुए और सनातन धर्म, सभी धर्मों का अगर उत्पत्ति हुआ है तो सनातन धर्म से। सनातन धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। जो इस प्रकार के गलत बात और जो आतंकवाद या उग्रवाद या ऐसे लोगों को उकसावा देते हैं, श्री राम इन्हीं आतताइयों का विनाश भी करेंगे और श्री राम पूरी देश के अंदर पुनः राम राज्य की स्थापना भी इस देश में होकर रहेगी।